जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं फिलहाल दिल्ली में, और हमेशा आप लोग पूछते हैं कि सत्या भाई अपनी जर्नी करने के बाद उससे पहले आप क्या करते हो, ये आप लोग जानना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं रुका हुआ हूं होटल साहिब में, जो कि पहाड़गंज में ही, जैसे आप लोगों को पता है हमेशा यहीं पर रुकता हूं आकर के। थोड़ा गली में है, लेकिन रूम्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और एसी बढ़िया चलता है, वो मेन चीज़ गर्मी में। सेकेंड चीज़, खाने पीने में दिल्ली की मेन चीज़ मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, वो भी दुकान यहीं पर, इसलिए मैं सोचा आज आपको वो दिखाई देता हूँ। तो ये रहा अपना होटल साहिब जहाँ पे हम रुकते हैं, और जस्ट बगल में देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुक्कू भटूरे वाले। तो देख लो भाई, कुक्कू भटूरे वाले, और यहाँ पे साफ सफाई से एकदम देखो काम बनता है। यहाँ पे भटूरे एकदम तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनके भटूरे देख लो और छोले की क्वालिटी देख लो, और टेस्ट मैं अभी आपको करके बताता हूँ। मैं तो हमेशा यही खाता हूँ, तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। हरी चटनी के साथ प्याज वगैरह है, और छोले का टेस्ट आप लोग देख लो। बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे टेस्ट। अगर आप दिल्ली आ रहे हो, पहाड़गंज साइड में रुके हो कहीं, तो यहाँ आकर ज़रूर टेस्ट कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यहीं पे रुको आप, होटल साहिब में ही, बगल में मिल जाएगा। खाना पीना भी आपको अच्छा, यहाँ लस्सी वगैरह सभी चीज़ अवेलेबल है, स्वाद काफ़ी बढ़िया था। सर, आप भागते हुए दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर तो आ चुके हैं। वंदे भारत देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी यहाँ पर। देख लो आप लोग, वंदे भारत तो यहाँ नहीं दिख रही, 1, 2, 3 नंबर से, शायद है कि 4 नंबर से जाएगी, वहाँ पहुँचते हैं। अभी भी 10 मिनट बाकी है हमारे पास। तो हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं अजमेर वंदे भारत में, जो कि दिल्ली कैंट से चलती है, और इसमें हम लोग जयपुर तक ही ट्रैवल कर रहे हैं। 3 घंटा 25 मिनट लेती है, शताब्दी लेती है 4 घंटे 35 मिनट, और डबल डेकर लेती है 4 घंटे 20 मिनट के आसपास। बट इसमें इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सत्या भाई इसमें जर्नी देखनी है, और हम लोग इसके इनॉग्रल में नहीं आ पाए थे। अजमेर वंदे भारत यहाँ पे आप देख लो, गाड़ी काफ़ी कमाल की है। बहुत बार आप लोगों ने वंदे भारत ट्रेन में ऐसा ट्रैवल किया है, आज इसके जर्नी एक्सपीरियंस को आप लोग इन्जॉय करने वाले हो। ये वंदे भारत इंडिया की फर्स्ट एंड इकलौती वंदे भारत है अभी, जो हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ चलती है। खैर फिलहाल ये अभी नॉर्मल हाइट पे, जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी इसकी हाइट जो है ना डबल हो जाएगी, एकदम ऊँचाई पर पहुँच जाता है ये। 4 मिनट पहले हम लोग बस पहुंच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो डोर बंद होने के सिग्नल हैं वो हो चुके हैं ऑलरेडी, एग्जैक्टली ऑन टाइम ट्रेन डिपार्चर के लिए तैयार है यहाँ। डोर्स बंद, भाई साहब कमाल के डिपार्चर यहाँ पे हुआ है। और भारत गौरव ट्रेन का ये रेक देख लो आप लोग, इसी में आप लोगों ने मेरे साथ पूरा गुजरात घूमा था। भाई जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी ना, एक बार देख लो, मज़ा बहुत आया था उस जर्नी में, और आपको भी आएगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे सत्य भाई अपनी आप ट्रेन टिकट बुकिंग वगैरह कहाँ से बुक करते हो, तो आप लोगों को बता दूँ मैं वीगो ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट्स होटल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। ये कमाल की ऐसी ऐप है जो आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील प्रोवाइड करती है। और मैंने अपनी ट्रेन टिकट भी यहीं से बुक की, मैंने भी अब IRCTC से ट्रेन टिकट वगैरह बुक करना शुरू कर दिया है। इसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही क्विक एंड सिंपल है, जैसे अभी आपको डाउनलोड करते हो ना, आपको ट्रेन का आइकन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना, सो स्टेशन डालो, डेस्टिनेशन डालो, डेट ऑफ जर्नी चूज़ करो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप अपनी पसंदीदा ट्रेन को फटाक से बुक कर सकते हो। एक सलाह मेरी ये भी मानना, जिस रूट में आप ट्रेन का किराया चेक कर रहे हो ना, एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए में फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करता है। मैंने भी बहुत बार इसे यूज़ किया और फ्लाइट टिकट वाकई में आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पे। तो चलो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी जाओ डाउनलोड करो, अपनी ट्रैवलिंग को और ईजी बनाओ। और जिन लोगों ने यूज़ किया है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना वीगो आप कैसा लगा था, और साथ साथ जिन लोगों ने ऐप को अपडेट नहीं किया है, एक बार अपडेट कर लो, क्योंकि नए ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद नहीं की थी कि स्वागत इतना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी वंदे भारत में सुविधा नहीं है। मैंने तिरुपति वंदे भारत में भी ट्रैवल किया था, उसमें गुलाब वगैरह कुछ नहीं मिलता। और रिसेंटली वंदे भारत में मिला था मुझे, कौन सी वाली में, बनारस वाली में ना, वो तो पहली वंदे भारत है, शान है। अभी तक की एवरेज के हिसाब से देखा तो फास्टेस्ट वंदे भारत वही है ना, भले ही 160 वाली अपनी भोपाल वाली वंदे भारत आ गई। बाकी आप लोगों ने देहरादून वाली वंदे भारत का ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नई नवेली वंदे भारत, उसे भी आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बढ़िया लिंक मिलेगा, वहाँ से देखना जर्नी, मज़ा बहुत आया था। एग्जीक्यूटिव क्लास कंफर्टेबल तो है, उतना ही कॉस्टली भी है, रेट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेग स्पेस देख लो, अच्छा खासा लेग स्पेस है, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रख सकते हो आप, इसी जैसे यहाँ पे रोज़ हमने यहाँ पे रख दिया है। बाकी सेंसर वाली लाइट और वही वाली सुविधाएँ हैं, लगेज स्पेस आप सभी चीज़ देख लो। और अगर आपको कुछ चार्ज करना है तो यहाँ पे आपके लिए चार्जिंग सॉकेट वगैरह, USB पॉइंट सब दिए गए हैं। जो नेकरेस्ट है बहुत ही कंफर्टेबल है, पीछे डिस्प्ले है आने वाली सभी चीज़ों के लिए,
और ये जो डोर्स हैं ये भी ऑटोमेटिक हैं। और भी फीचर्स आपको दिखाऊंगा, उससे पहले ब्रिंक स्नैक आने वाले हैं, उसे एंजॉय करो। यहाँ पे ये देख लो दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल फ्लाइट्स के बगल से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के साथ हमने क्रॉसिंग हो रही है और वहाँ बहुत ही खूबसूरत सी सनसेट हो रही है। एक और एमटी लोकोमोटिव बोर्ड्स के साथ स्लीपर्स कैरी करके कहीं जा रहा है। अनाउंसमेंट भी हो रही है आने वाले स्टेशंस की। अगर आप लोगों पैलेट सर से इमरजेंसी में कुछ बात करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए। और देख लो सीसीटीवी कैमराज आपकी सुरक्षा के लिए एंड डोर्स आर ऑटोमेटिक। देखो गुड़गांव से भी बहुत सारे लोग इसे बोर्ड करते हैं, तो इसलिए हम लोग, मैं आप लोगों को बता, 304 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करेंगे 3 घंटे 25 मिनट में। ये कमाल की बात है। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख है, अगर नई दिल्ली से खुलती ना ज़्यादा सुविधाजनक होता। मुझे एक्चुअली यहाँ तक आने में, दिल्ली कैंट आने में बाई रोड 1 घंटे ज़्यादा का समय लग गया। तो अगर ये ट्रेन नई दिल्ली से ही खुलती तो यात्रियों को मेरे हिसाब से ज़्यादा सुविधा पहुँचाई जा सकती थी कम्पेयर टू दिल्ली कैंट। और हो सकता है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से दिल्ली कैंट से खोला गया हो, लेकिन ये मेरा मानना था। और अगर ये नई दिल्ली से खुलती है तो 40 मिनट का ट्रैवल टाइम या आधे घंटे का ट्रैवल टाइम और इसके टाइम में जुड़ जाता है। मुझे लगता है सिर्फ फास्टेस्ट दिखाने के लिए शायद ऐसे यहाँ से खोला गया है। तो इस रूट में ट्रेन केवल 110 km/h की रफ्तार में ही चलती है। तो इस रूट में जो ट्रेन है केवल 110 km/h की रफ्तार में ही चलती है। बहुत से ज़्यादा आपको रफ्तार इस रूट में देखने को नहीं मिलेगी। सनसेट जो है वो अच्छे से हो चुके। अभी हम लोग गढ़ी हरसरू जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। रफ्तार तो बढ़िया लग रही है ट्रेन की, 110 भी अच्छा लगता है। वो देखो आप लोग हाई राइज पेंटो, देखा आपने कितनी ऊंचाई पे उस लोकोमोटिव का जो पेंटोग्राफ है वो था। ट्रैक साउंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे टेबल जो है आपकी वो साइड से खुल करके आती है। ये स्पेशल चीज़ है जो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने को मिलेगी। बस ऐसे टेबल निकाल लो और इसे अनफोल्ड कर लो। वाह यार काफ़ी कुछ आ गया है यहाँ पे। तो वेट वाइप्स हैं, साथ में यहाँ पे चिक्की दी गई है, चाय उसकी चाय, हैंड सैनिटाइजर, यहाँ पे सैंडविच, लस्सी जो कि हमें चाहिए थी, और झालमुड़ी है मेरी फेवरेट एकदम। और एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको एलमंड्स भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पर रफ्तार भी ट्रेन की काफ़ी अच्छी लग रही है, ट्रैक साउंड काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। थोड़ी ये नहीं मिसिंग था, अभी वापस से आया हमारी प्लेट में गर्म होकर के। ये चीज़ ठंडी है और साथ में चाय भी सर्व हुई है, मतलब लॉजिक तो समझ में नहीं आया। बट भाई जयपुर की गाड़ी है तो कचौड़ी तो मैंडेटरी इस ट्रेन में। तो यहाँ पे मेरे को कचौड़ी की बजाय यहाँ पे मिली हैं 2 मठियाँ, मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही हैं कम्पेयर टू कचौड़ी। संदीप मैंने कचौड़ी खोली वो तो ऐसी ही निकल गई, मतलब फीलिंग कुछ नहीं, बस हवा भरी थी उसमें। तो इसमें कम से कम पता तो है कि ये कचौड़ी है, उम्मीद नहीं रखेंगे फीलिंग की हम लोग। देखा आपने कैसे हाई राइज पेंटोग्राफर है लोकोमोटिव था वो भी। और यहाँ पे अभी हम लोग रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, ट्रेन का स्टॉप यहाँ नहीं, सीधा अलवर जाकर के ट्रेन रुकती है अपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी, यहाँ से आपको बहुत सारे रूट्स के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगे। मतलब भिवानी वगैरह आपको जाना हो, रोहतक तरफ जाना हो, चाहे हिसार जाना हो, बीकानेर वगैरह जाना हो, रिंगस जाना हो खाटू श्याम के दर्शन के लिए। पर हम लोग बढ़ रहे हैं अभी जयपुर वाली लाइन पर।
इसलिए इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये तो काफ़ी ज़ोरदार है ट्रेन की। बाकी सारा पैक्ड आइटम सर्व होता है नॉर्मली, बाकी चाय का मैं रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि ये प्रीमिक्स वाली है, मसाला टी है तो ज़ोरदार है। लेकिन हमारे मेन्यू में जो चीज़ें दी गई ना वो काफ़ी क्वान्टिटी में काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी चीज़ें सर्व की जाएंगी। एंड हैंड वाइप वगैरह भी दी गई तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सर्विसेज का ख्याल इसमें रखा गया। अब डिनर से जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो बढ़ गई है। हमारी ट्रेन जो सीधा रुकती है जा करके अलवर पे, बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, बांदीपुर वगैरह भी नहीं रुकती, सीधा जाके फिर जयपुर रुकेगी। आइटम के बीच में एक सैंडविच भी था जिसमें देख लो चीज़ मेयोनीज अच्छे से है, ये भी ठीक ठाक टेस्ट किया, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा लगा खाने में। चीज़ें जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं, आपसे अब जल्दी मुलाकात करते हैं। तो बस कुछ ही समय पहुंचने वाले हैं अलवर, यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह भी हो चुका है, चलिए हम देखते हैं अलवर में अराइवल। अब अलवर जंक्शन स्टेशन 8:17 का टाइम था अलवर जंक्शन पहुंचने का, और यहाँ पे हम लोग थोड़े से डिले के साथ 16 मिनट के डिले के साथ पहुँचे 8:33 यानी 8:33 PM पे अलवर से मंदना के होते हुए मथुरा के लिए लाइन गई हुई है। आप लोगों ने शूट पे मेरे साथ जर्नी देखी हुई है, यहाँ का मिल केक बहुत फेमस है और साथ साथ बाल किला और वहाँ के लेक और वहाँ के नज़ारे। जो लोग अलवर से वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर अलवर में घूमने वाली जगह है। और इसके बाद हमारी ट्रेन अब सीधा जयपुर रुकने वाली है, 2 मिनट का मात्र यहाँ पर हॉल्ट जगह है, इस चीज़ का आपको भी ख्याल रखना है, चढ़ने वाले समय से चढ़ जाना और उतरने वाले समय से उतर जाना, ऑटोमेटिक डोर से बाद में दिक्कत हो सकती है। ये जो अनाउंसमेंट है ना ये बड़ी अच्छी लगती है मेरे को जो हो रही है, और अंदर भी अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि दरवाजे जो है बंद होने वाले हैं। तो अलवर जंक्शन वाले भाई लोग ध्यान रखना, ट्रेन नंबर 20978 वंदे भारत निकलने को तैयार है। ये वाले डोर्स भी देखो ऑटोमेटिक हैं, सेंसर लगे हुए हैं तो आराम से खुल भी गए यहाँ पे। और यहाँ पे अलवर से अपना डिपार्चर होते हुए वंदे भारत की यही खास बात है, आप एक्सेलरेशन देखो प्लेटफॉर्म से, क्या गजब का एक्सेलरेशन ट्रेन ने पिक किया है, यहीं से रफ्तार में हो गई, अब तो गाड़ी बस निकल ही रही है प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे तब तक सूप की जो सर्विस है वो शुरू हो गई है, यहाँ पे सूप जो है वो सर्व किया जा रहा है। तो चले इतने दिन हो गए लेकिन गाड़ी वाकई में साफ सुथरी है, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। हैंड ड्रायर वगैरह सब कुछ काम कर रहा है गाड़ी का, और वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। इसके लिए इसे 10/10 रेटिंग दूंगा साफ सफाई के लिए। गाड़ी जो है कुछ यहाँ पे ऐसे सर्व हुआ है, गर्म पानी दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे सूप फटाक से बन जाएगा अपना, ब्रेड स्टिक है और यहाँ पे बटर भी दी गई आपके लिए। बस थैंक यू भैया। यहाँ पे देखो पानी पड़ गया है इसमें गरम, अब यहाँ सूप भी अपना बन जाएगा, हो जाएगा तुरंत तैयार। आजकल सभी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्विकली सर्व हो रही है, इसलिए रेडी टू ईट वाला जो है अपनी जो टी है वो सर्व हुई थी, उसके बाद ये सूप है मिक्स विद हॉट वाटर एंड एंजॉय योर सूप एंड टी। तो संदीप भाई आपको ये वाला सूप पसंद है कि ट्रेन में जो बना बनाया पहले जो मिलता था वो वाला? ट्रेन में जो बना बनाया मिलते हैं बहुत अच्छा, राजधानी वगैरह में जो मिलता है यार, अगर रेलवे स्क्वायर पाओ बेस किचन से चढ़वा पाओ बना बनाया सूप हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बाकी संदीप भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग खाने पीने को खाते हुए मस्त एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। यहाँ पे ट्रेन हमारी बांदीपुर जंक्शन एंटर कर रही है, एंटर क्या करिए स्किप भी करेगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं दिया गया है। और यहाँ पे अभी 9:10 हो रहे हैं जब ट्रेन यहाँ पे स्किप कर रही है। बांदीकुई से एक लाइन निकल जाती है सीधा भरतपुर के लिए जो आगे आगरा वाले रूट पे जाती है, इसलिए बांदीकुई एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अगला स्टॉप अपना सीधा होने वाला है अब जयपुर, लेकिन उससे पहले जो डिनर आ गया है उसे आप लोग एंजॉय करो, ये छोड़ के भागना पड़ा था अभी। तो वंदे भारत में जो डिनर है वो कुछ ऐसे सर्व किया जाता है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव क्लास में भी ट्रैवल करो तो वो बॉल एंड कटलरीज में नहीं होगा,
बाकी चीज़ें तो आपको बॉल एंड कल्डर इसमें मिल जाती हैं। बाकी चलिए जल्दी से खोल के दिखाते हैं इसमें है क्या स्पेशल। बस रागी का लड्डू काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल मेरे को, जब से मैंने वंदे भारत में ट्रैवल करना शुरू किया। देखो बढ़िया लग रहा है, खोलते हैं क्या है इसमें। एज़ ऑलवेज वेज खाने की पनीर अपनी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, पीसेस भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे दाल है गाढ़ी सी, जीरा राइस है, मिक्स वेज की सब्जी, रागी और यहाँ पे पराठे, साथ में आपको हैंड सैनिटाइज़र, साथ में फ्रेश वाइप्स मिल जाते हैं, दही वगैरह भी है। टेस्ट करते देखते कैसा स्वाद है। बाकी स्वाद देखना था मेरे को इसका, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत में हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। पनीर तो एक नंबर है। कैसा लगा आपको खाना संदीप भाई? अच्छा, काफ़ी अच्छा। क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको वैसे? पनीर अच्छी लगी। पनीर ना, नॉर्मली हम लोग ट्रेन में पनीर प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो समझ सकते हैं कि पनीर क्यों नहीं खाया जाता है। दाल भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। पहले हम लोग सोच रहे थे खाएंगे नहीं, पेट भरा सा लग रहा है, अब लगता है शायद खाना पड़ेगा। चलो इसे फिनिश किया जाए खाना। वाकई में अगर इसमें रेटिंग की बात करूँ तो 10 में 10 दे दूंगा मैं इसे। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा भाई काफ़ी। बस साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो गए इस ट्रेन को चले हुए, बट फिर भी जो उसकी खाने की क्वालिटी में है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई। साफ सफाई भी ट्रेन में काफ़ी अच्छी मेंटेन की, ओवरऑल पैसेंजर्स के लिए वर्थ एक्सपीरियंस रहेगा इसमें ट्रैवल करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ दिग्विजय भाई ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जयपुर और अपने दिल्ली वाले रूट में। ऑफिस खत्म किया और भैया ने पकड़ लिए वंदे भारत और हमारे साथ 3.5 घंटे में आप जयपुर पहुँच जाएंगे। तो फैमिली वाले भैया आपके जैसे बता रहे थे अभी हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कार से कितना टाइम लगा उन्हें जयपुर? सुबह वो 9 बजे निकले थे, बल्कि मेरे को ऑफिस ड्रॉप किया था, तो 9:30 बजे उन्होंने मेरे को ऑफिस ड्रॉप किया था। दे रीच एट 3:30 6:30 घंटे एक्सप्रेस वे होने के बावजूद। एक्सप्रेस वे अभी क्या है बहुत खाली है, तो फैमिली जाना पसंद नहीं करते वहाँ से, कि इट इज़ नॉट सेफ, सेफ नहीं होता, सेफ नहीं है। एक्सप्रेस वे से भी 4-5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे आपने खाना खाया अभी आइसक्रीम ट्राई करो, तो इसका ओवरऑल खाने कैसे लगा आपको बाकी ट्रेनों से अगर कंपेयर किया जाए तो? लाइक आई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल बाय शताब्दी, तो जनरली मैं शताब्दी या वंदे भारत ही लेता हूँ, तो एज कम्पेयर टू शताब्दी दिस इज़ +1, मतलब आप कह सकते हैं 10 में से 9 रेटिंग हम दे सकते हैं इसको। एंड सिर्फ मुझे कचौरी पसंद नहीं आई, हमें भी कचौरी पसंद नहीं आई, बाकी सब बढ़िया था। एंड माय फादर एंड मदर दे डोंट ईट ट्रेन फूड, चाहे वो शताब्दी में हो चाहे वंदे भारत में हो, बिकॉज पहले खाना अच्छा नहीं होता था, अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो रहा है, स्टैंडर्डाइज हो रहा है, एंड देन दे आर इंट्रोड्यूसिंग ब्रांड पैकेज फूड, सो दिस इज़ गुड। सर मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन, एक बार देहरादून वंदे भारत में ट्रैवल करना, सीनी का अच्छा रूट आपको मिलेगा, ट्रैवल टाइम थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो हमारे साथ और भी पैसेंजर जानते हैं सर को खाना कैसा लगा। सर कैसी लगी आपको पहले तो वंदे भारत और स्ट्रेट का खाना? फैंटास्टिक कंपेयर टू अदर। पहले तो वो गुलाब दिया था बढ़िया, वेलकमिंग जेस्चर, पहले वेलकमिंग जेस्चर बढ़िया। अब बाकी खाना पीना जी, खाना पीना बाकी कैसा लगा ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस? खाना ठीक है, आई थिंक खाना इज डिनर के बाद आज को डेजर्ट में है बटर स्कॉच। थैंक यू भैया। फिर जो आइए शाही मेवा मलाई है बटर स्कॉच नहीं, बहुत ही बढ़िया स्वाद है, मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ उसे। आप भी ट्राई कर लेना अगर आपके घर के आसपास मदर डेयरी का कोई पार्लर है तो, स्वाद काफ़ी बढ़िया था। तो यहाँ पे जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोग 10:10 पर पहुँच चुके हैं। ट्रेन के दरवाजे हो चुके हैं वापस से बंद, ट्रेन यहाँ पे आई थी 10:10 पर और वापसी के लिए तैयार। अपनी ट्रेन नंबर 20978 दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल भी चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन से, यानी पिंक सिटी से। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत बार हम लोग घूमने आए हैं, बहुत बार आपको घुमाया है अपने साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जर्नी रिव्यूज होना लेकर के हम लोग आपके लिए आते रहते हैं। 16 कोच की ट्रेन है,
भाई मज़ा आ गया इस जर्नी में, आपको कैसा लगा? मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। खाना पीना जोरदार था, ट्रेन बहुत ही कमाल की है, जर्नी एक्सपीरियंस वाकई में काफ़ी लाजवाब। अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो आज ही मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट किया, तब जाके मिल गया। चेयर कार पे भी टिकट था, 90 वेटिंग लिया था मैंने सुबह, 46 पे आके रुक गया था। तो एग्जीक्यूटिव में करंट में सीट निकल गया तो किस्मत अच्छी थी, 1800 रुपये देकर के एग्जीक्यूटिव में टिकट कराया, फाइनली टिकट कन्फर्म था तो आपके लिए जर्नी हो पाई, वरना मैंने तो आशा खो ही दी थी। मिलेंगे ऐसी और बहुत सारी जर्नी में और आपके लिए ऐसे ही ट्रेन का रिव्यू करते रहेंगे। चाचा तो एक चीज़ बता दूँ कि ट्रेन अजमेर तक जा रही है और अजमेर 11:55 रात में पहुँचती है। मैं तो भूल ही गया था जोश जोश में कि जयपुर से गाड़ी निकल रही है, मुझे लगा यार्ड पे जा रही है, पर वैसे गाड़ी अजमेर तक जा रही है और यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 घंटा लेके पहुँच जाएगी वहाँ पे, 12 बजे पहले आपको पहुँचा देगी। तो अगर आपको अजमेर जाना है तो उसके लिए भी है, काफ़ी फास्ट ट्रेन रहेगी आपके लिए। मैं चलता हूँ होटल में चेक इन करता हूँ और आपसे नई जर्नी में मुलाकात करता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जर्नी इसको एंजॉय करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।